हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है मकर संक्रांति, तो आप सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज तिल गुड़ के लड्डू लाई, जो चावल के लड्डू बनते हैं ना, मुरमुरे के लड्डू, तो आज खाने का दिन है। तो अभी मॉर्निंग में हो रहा है, सारा काम जो है मेरा फिनिश हो चुका है। अभी नहाना बाकी है और गीजर जो है थोड़ा सा, मेरा गीजर खराब हो चुका है। मौसम भी बिल्कुल देखिए, धूप उप कुछ नहीं निकला हुआ है, ऐसा जो मौसम हो रखा है। अब बज रहा है 10:30 होने वाले हैं। तो आज जो हमारे जो है बिहार में दही चूड़ा सब्जी बनती है, 3-4 तरह की सब्जियां बनता है, दही चूड़ा होता है, और तिल गुड़ के लड्डू भी रहते हैं, मुरमुरे के लड्डू रहते हैं, वो तो रहते ही हैं। तो ये सब है, तो ये सारा खाना जो है थोड़ा मैंने तैयारी सब कर लिया है, बनाऊंगी। मेन टाइम पे जो है खराब हो गया, नहीं होगा तो गैस पे जो है पानी गर्म करना पड़ेगा और फिर जाके तब जाके नहाना धोना होगा। ये काम करते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग मेरी वीडियो देखा कीजिए, वीडियो जब देखेंगे तो जाकर थोड़ा खुशी मिलती है, तो वीडियो बनाने का भी इच्छा होता है। अभी जो है लाइट ऑफ है या आ गया, तो अभी मैंने जब देखिए मेरा काम जो है फिनिश हो चुका है। और ये टॉवल पड़े हैं बेड पे, सूखा है, गीला नहीं है। नहाने जा रहे होंगे ना बच्चों ने, तो रख रखा होगा। चलिए लाइट ऑफ। क्या बोले हो? हाँ ले लो, हाँ जा दिखा दिया। और ये सफाई हो रहा है और ये बैठे हुए हैं, अंधेरा में कोई दिख भी नहीं रहा है। क्यों दिखा रहे हो? हाँ दिखा रही हूँ, क्योंकि ये लोग सब लोग पानी गर्म होने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि बिना खा आज कुछ भी, बिना नहाए कुछ भी नहीं खा सकते। तो जब तक पानी गर्म होगा तब तक नहाएंगे, उसके बाद ही खाने को कुछ भी मिलेगा। तो यही है। हाँ कर रही हूँ, आ रही हूँ। मटर और गोभी की सब्जी बनेगी, फिर कद्दू कोहरा जो बोलते हैं ना उसकी सब्जी बनेगी, एक सब्जी बैगन सेम आलू की मिक्स जो होती है उसकी सब्जी बनेगी। तो यही सब जो है सब्जी होता है, दही चूड़े के साथ यही खाते हैं। तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं बनाना, खाना बनाना जो है स्टार्ट कर रही हूँ, सब्जी बनाना। तो अभी बना रही हूँ गोभी, आलू, तो और मटर, इसकी सब्जी बना रही हूँ। तो गोभी जो है मैंने भून लिया है और अभी जा रही हूँ मटर, और आलू भी जो है, आलू भी बॉयल है, इसको हल्का सा फ्राई करते हैं। पहले मटर फ्राई करूँगी और फिर गोभी फ्राई करूँगी। तो आलू गोभी मटर की सब्जी बना, इसकी रेसिपी आपको सब मैं शेयर करूँगी बहुत जल्दी। तो आज के दिन जो है 5 तरह का सब्जी बनना चाहिए। अब 5 तरह से अलग अलग सब्जी तो हो नहीं सकता, तो कम से कम 5 वैरायटी तो मिक्स उसमें कर दो, 5 चीजें। फिर भी जैसे होता है कोहरे की सब्जी अलग कर देते हैं, एक में सेम फली जो बोलते हैं ना, सेम फली और बैगन में बोरो जो लोबिया बोलते हैं उसकी, और आलू एक में, फिर मटर गोभी हो गया, आलू हो गया। तो 5 या 7 तरीके का हो गया, 7 चीजें मिक्स हो गई उसमें। तो इस तरह के सब्जी हमारे यहाँ बनता है। तो फिर वही हरिओम जी दीदी, लगन खुशियाँ, संक्रांत का दिन है, अच्छा अच्छा अर्धनोटेश्वर का दिन है आज हमारा, बस ऐसे दो खुशियाँ दुआ दूंगी। क्या कैश पैसा लेते हैं, खाने पीने के सामान वामान लेते हैं? आज हमारा अर्धनटेश्वर का दिन है, शिव पार्वती, आदि शिवरात्रि, आदि पार्वती। मम्मी जी पैसे सामान लेकर जाएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी पता नहीं था। खुश रहो, खुश रहो भैया। हाँ जी, जो होते हैं किन्नर, क्या बोलते हैं तो लोग आते हैं सर यहाँ पे, मुझे नहीं पता था तो लोग आ गए, तो मैं सब मसाला चढ़ाई थी, मैं सारा सब्जी भी चल गया। तो फिर जैसे कि सब लोग का खाना पीना हो गया है, मैं बची थी, मैंने इसलिए बची थी कि मैं सोचा कि चलो आप लोगों के साथ कुछ शेयर करती हूँ कुछ चीज़ें, कि वो मकर संक्रांति में हम लोग दही चूड़ा कैसे खाते हैं, दही चूड़ा साथ हमारे क्या क्या होता है। तो ये देख सकते हैं, ये हमारी सब्जी है,
तीन तरह की सब्जी बनती है, आलू मटर गोभी की सब्जी हो गया, बैगन बीन्स और बीन्स मतलब बोरो, और एक चीज और मैं भूल रही हूँ उसकी, और ये कोहरे की यानी कद्दू की सब्जी हो गया। ये पांच छह तरह की सब्जी जो होती है, और ये हो गया तिल, एक घर का बनाया हुआ मेरा लड्डू है, और ये तिल गुड़ के लड्डू है। तो हो ये सब चीज़ें मेन होता है। और दही दही चूड़ा, तो दही चूड़ा इसलिए मैंने शेयर की कि मेरे बहुत सारे ऐसे भी फ्रेंड हैं, कुछ यूट्यूब पे भी फ्रेंड हैं जो दूसरे स्टेट से हैं, तो वो बोलते हैं कि आप लोग दही चूड़ा कैसे खाते हैं, दही चूड़ा मकर संक्रांति, मतलब वो लोग दही चूड़ा भी नहीं लोगों को पता है, तो हमने बोलता है मकर संक्रांति पे खाते हैं, तो लोग बड़ा आश्चर्य होते हैं कि दही चूड़ा भी खाते हैं क्या इस टाइप से। तो मैंने सोचा कि जो दिखाती हूँ कि दही चूड़ा कैसे खाते हैं और कैसा लगता है, बहुत बहुत ही अच्छा लगता है। ये सारे कॉम्बिनेशन हो गया, ये चूड़ा हो गया हमारा, आप देख सकते हैं ये ऐसे ही दही होता है तब जाके चूड़ा अच्छा लगता है, खाने में मजा आता है। और ये गुड़ है और ये चीनी है, ये पिसा हुआ चीनी बोलते हैं जो, तो आप कुछ भी गुड़ से खाइए, चीनी से किसी चीज़ से भी खा सकते हैं। तो मैं फिलहाल जो है गुड़ डालूंगी क्योंकि मुझे गुड़ अच्छा लगता है, तो ऐसे डाल के सब्जी के साथ ही जो है कॉम्बिनेशन बैठता है, वरना ऐसे दही चूड़ा आप खाने में उतना अच्छा नहीं लगता है। और मकर संक्रांति पर सब्जी के बिना दही चूड़ा नहीं खा सकते हैं, तो इसलिए हमारी सब्जी की बहुत ज़्यादा रहता है, सब्जी बनाना बहुत अच्छी तरह से सब्जी बनाया जाता है, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आप देख लीजिए कैसे खाते हैं, तो ये दही हो गया, हाथ से ही खाते हैं तो अच्छा लगता है, इसी मतलब मैं हाथ से दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो ये ली, आप लोग भी आ जाइए दही चूड़ा खाने, किसको किसको खाना है तो आ जाइए, और ये दही चूड़ा कॉम्बिनेशन करके हमने खा लिया। और ये सब्जी हो गया, सब्जी तो बहुत भर भर के खाते हैं हम लोग। चलिए फ्रेंड्स मैं खा के मिलती हूँ आप लोगों से, आप लोगों ने स्वेटर ले लेती हूँ ठंड लगेगा। और अभी चल रही हूँ छत पे, आप लोग भी चलिए, बच्चे कब से बोल रहे थे कि मम्मी आ जाओ छत पे, सब लोग पतंग उड़ा रहे हैं, आप भी देखना बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। चलो ठीक है मैं अभी आती हूँ, थोड़ा काम फिनिश कर लूँ, क्योंकि बिना काम फिनिश किए फिर कहीं जाने का मन भी नहीं होता है, और काम करते हैं थोड़ा लेट भी हो गया। तो चलिए आप लोग भी देखिए, अंकल देखो खुश हो गए, इधर हमारा पतंग गिरा नीचे, वाह खुश हो गए। सबसे ज्यादा पतंग वहीं पे गिरी हुई है, वो ग्राउंड दिख रहा है वहाँ पे। हाँ तो ग्राउंड उड़ा भी तो रहे हैं सारे बच्चे, देखो मेरे को पता नहीं, पतंग उसी दोनों जो घर है ना उसी पे गिर रही है। अरे फिर से फंस गया, है पेड़ों पर भी खूब फंसे हुए है। मैं किनारे पे खड़ी, मेरे पैर कांप रहे, मेरी बिंदी गिर गई बिंदी पता नहीं कहीं गिर गया मेरी। और अभी शाम हुआ है तो मजे, सब लोग पतंग छत पे खूब उड़ा रहे हैं अभी, धूप तो बिल्कुल आज नहीं निकला, बारिश सुबह में हुआ एक बार 4 बजे करीब, और बाद में फिर हुआ 11-12 बजे करीब ऐसा हुआ, और बादल छाया रहा, बारिश वरिश तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अच्छा है धूप बारिश नहीं हुआ बाद में, तो लोग इंजॉय कर रहे हैं छत पे अपने अपने पतंग उड़ा रहे हैं। बोलते हैं कि इसके पहले पिछले साल तो बहुत लोगों ने डीजे उजे छत पे लगा के फिर पतंग उतंग उड़ाते थे, लेकिन इस साल तो थोड़ा कोरोना महाराज ने डरा दिया है तो मना ही है, बस अपने अपने छतों पे लोग दो चार एक दो लोग जो है लोग पतंग उड़ा रहे हैं। सारा इतना ज़िंदगी का सारा मजा आनंद जो लोग लेना है जो लेते थे इंजॉय करते थे, ये कोरोना ने छीन लिया पिछले 2 सालों में सारा। तो अभी रात का जो है हमने खाना बनाया है चावल, क्योंकि बहुत जगह पे जो है खिचड़ी बनता है, लेकिन हमारे यहाँ खिचड़ी नहीं बनता, खिचड़ी चढ़ाते हैं भगवान को बना के शाम को चढ़ता है, लेकिन मेरे मायके और ससुराल में दो जगह नहीं होता है, तो इसलिए हम चावल ही बनाते हैं। तभी चावल बनाया और जो दिन वाली जो सब्जी थी ना तो उसी से खाते हैं, अच्छा लगता है। आज का जो चावल और सब्जी दाल वाल कुछ नहीं रहता है लेकिन अच्छा लगता है, तो अभी मैंने चावल बनाया है तो दिखाती हूँ। चावल और एक कद्दू की सब्जी खाएगा, और ये रही आलू बैंगन और किसकी मैं भूल गई, आलू बैंगन बरबट्टी बोरो की सब्जी, लुबिया बोलते हैं, और ये आलू गोभी की सब्जी। तो
तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये खाना ऐसे कैसे खा लेंगे, लेकिन बहुत अच्छा आज के दिन, मतलब पता नहीं संक्रांत के दिन चावल और सब्जी खाते बहुत ही टेस्टी लगता है। ला रही हूँ खाना, निकाल लिया है। अश्विनी तो नहीं खाएगा, शाम को खा लिया है तो मना कर दिया। सब्जी के साथ खाते हैं आज के दिन, हम नीचे ही खाना खाते, कहाँ तक खाते हैं। पन्नो आ रहे हो? अंधेरा करके बैठे हुए हैं, ये देखो अंधेरा, क्योंकि ये जो है सो गया है तो इसने लाइट ऑफ कर दिया है, तो वे अंधेरा करके बैठे हुए हैं। इसको आज जल्दी सो गया, आज खाना खा पी के मना कर दिए थे, तो ये चलो ये लाइट ऑफ करो। टैंग हाँ, तो ये बोले कि हाँ थोड़ा सा हल्दी डाल दिया कि खिचड़ी नहीं बनाते ना, हाँ अब खिचड़ी नहीं बनाते, इसलिए मैं तो सोचा कि हल्दी ही डाल देती हूँ। दिन में दही चूड़ा खाने से क्या होता है, फिर मन करता है ना, फिर कुछ खाने का मन करता है, थोड़ा ठंडा 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 तो दही चूड़ा भी रहता है, लेकिन थोड़ा चावल सब्जी के साथ अच्छा लगता है, तो सब लोग पसंद करते हैं, तो ये बनता है। गाँव में भी हमारा ऐसे ही बनता है, ऐसे ही लोग खाते हैं, खिचड़ी नहीं बनता है तो। और रोटी बनता नहीं, तवा जो होता है ना, तवा नहीं आज के दिन मतलब चढ़ाते, तो रोटी नहीं बनता, तो चावल ही बनाते हैं, और चावल लोगों को अच्छा भी लगता है। ये मैं बैठ गई, मैं आप लोगों से बात करके वीडियो को सोच रही हूँ कि हेल्प कर दूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मैं आप लोगों से कुछ बातें कर रही थी, बात पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, अधूरा रह गया था, तो हो सकता था नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से शेयर करूँगी, किसी टॉपिक पे ही था, तो मेरा फुल हो गया मेमोरी जो मोबाइल का था, फुल हो गया, तो फिर मैंने आधा बात था तो मैं क्या शेयर करूँ। तो चलिए फ्रेंड्स इसके साथ ही आप लोग से मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग अच्छा लगे तो लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा मेरी आज की ये ब्लॉग, और इसको शेयर भी कर दीजिएगा, हो सकता है किसी को अच्छा लगे मेरी ये ब्लॉग, मेरी ये जानकारी जो खिचड़ी मकर